ओवैसी साहब जीतेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। कहिए अल्लाह पे भरोसा रखिए, जरूर होगा इंशाल्लाह। सिर्फ मुसलमानों का काम करेंगे। अगर योगी जी राम राम कहते हैं तो क्या हम मुसलमान उनकी स्टेट का पार्ट नहीं है? तो अल्लाह के रहमो करम से ये भी ताकत खत्म हो जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस को हैदराबाद में ओपन करवाया है, ये क्या एजुकेशन और डेवलपमेंट का साइन नहीं है? सर वोट में तब्दीली तो तभी आएगी ना जब आपका माइंडसेट ओपन होगा। आपको अपना माइंडसेट ओपन करने की जरूरत है। जहां तक टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं है तो क्या ये मेरा फॉल्ट है? नहीं ना, ये उस गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि जो विलेज तक नहीं पहुंचा। बरेली में असदुद्दीन ओवैसी की रैली खत्म हुई है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। अम्मा आप यहाँ ओवैसी साहब को सुनने आई थी क्या? जी हाँ। कैसा लगा सुन करके? बहुत अच्छा लगा सुन के। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद जग रहा है? अब तो असदुद्दीन ओवैसी साहब मारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हैं मंच से। नारे लगवाना अलग बात है, लेकिन हमारे हक की मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वोट देंगे या फिर सुनने के लिए आए थे? नहीं नहीं, क्यों, हम तो हमारे तो हस्बैंड इसमें ही पार्टी में ही होंगे। सैयद उफाम अली, अखिलेश यादव को लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। आप युवा हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं, देखने का नज़रिया देखिए ये है कि हमें वादे सब करते हैं, वादे हमसे कई लोगों ने किए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी, ये वादे होते आए हैं इंडिया में, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन वादों पे खरा उतरने वाली चीज़ है। आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी कुछ कहा है उसको करके दिखाया है। हैदराबाद का डेवलपमेंट हम सब ने देखा है और हमें उम्मीद है कि अगर वो यूपी में आते हैं तो यूपी के भी यादव ने भी तो लैपटॉप दिया ना मैम, उन्होंने भी तो कई सारे वादे किए हैं। सब फिर वही बात आती है, वादे सब करते हैं, और लैपटॉप और टैबलेट्स प्रोवाइड करना ही सिर्फ काफी नहीं है। आपने क्या चाहते हैं आप लोग? मैं आप लोगों ने लैपटॉप प्रोवाइड करवाए, आपने टैबलेट्स प्रोवाइड कराए, क्या आपने उस लैपटॉप और उस टैबलेट को यूज करने की टेक्नोलॉजी, उसको कैसे यूज किया जाता है? इंटरनेट आज के टाइम में इतना बड़ा मीडियम है सोशल वर्ल्ड से कनेक्ट होने का, क्या आप लोगों ने इतनी नॉलेज उन लोगों को दी कि आपको वो टैबलेट आपको प्रोवाइड किया गया, आपको उसको कैसे यूज करना है? दे कांट इवन नो टू हाउ टू स्टार्ट द कैमरा, राइट? उन लोगों को ये भी नहीं पता है। आप लोगों ने गाँवों में इंटरनेट प्रोवाइड करवाया है, दे आर स्टिल स्टार्टिंग इन द चुंगी स्कूल, राइट? कितनी उम्र है आपकी? आई एम 19। तो पहली बार वोट करेंगे इंशाल्लाह ओवैसी साहब को? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, भीड़ तो देख रहे थे, भीड़ तो कम थी, लेकिन कहा जा रहा है फिर भी कि इकट्ठा होती है लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। सर वोट में तब्दीली तो तभी आएगी ना जब आपका माइंडसेट ओपन होगा। आपको अपना माइंडसेट ओपन करने की जरूरत है। आप सिर्फ वो चीज़ें मत देखिए जो आप लोगों को एक सेटअप बना के दिया जा रहा है कि ये होगा ये होगा, आप उन चीज़ों पे फोकस करिए जो हुआ है। हमने अभी तक में 15 रैली कवर की जहाँ पर यही सवाल उठ रहे हैं ना कि भीड़ होती है वोट में तब्दील नहीं होगा। सर ये तो कोई क्या कह सकता है, वही मैं कहूँगी कि आप लोग अगर किसी को सुनने आते हैं, किसी के अगर आपको ओपिनियन अच्छा लगता है, किसी के व्यूज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो आप उस इंसान का सपोर्ट कीजिए। सिर्फ सुनने आते हैं ना, यही आपके बातों से लग रहा है। उनमें उन लोगों को कहना चाहती हूँ, देखिए अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहें, मेरी फैमिली से देखना चाहें, तो वी ऑल आर विद हिम, राइट? लेकिन जो लोग सिर्फ सुनने आते हैं उन लोगों को सुनने के साथ साथ उन चीज़ों पे अमल भी करना चाहिए जो कि ज़रूरी है, जो कि आप लोगों को लगता है कि हाँ ये कुछ हो पाएगा। धर्म के नाम पर सियासत? सर इंडिया एक सेकुलरिज्म कंट्री है, यहाँ पे हर इंसान को अपने धर्म के नारे, हर इंसान को अपने धर्म को फॉलो करने, हर इंसान को अपने धर्म की बातों को स्प्रेड करने का राइट है। तो अगर वो उसके नारे लगाते हैं तो हमारे नारे लगाने में क्या बुराई है? आप मुझे बता सकते हैं कि बीजेपी ने यूपी के अंदर टोटल कितने गर्ल्स कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेजेस को ओपन कराया है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस को हैदराबाद में ओपन करवाया है, ये क्या एजुकेशन और डेवलपमेंट का साइन नहीं है? उन्होंने किया जो काम उन्होंने किया उसका क्रेडिट उनको दिया जाएगा, लेकिन बात अगर टैबलेट और लैपटॉप्स की आती है तो एक अगर इफ़ आई एम बिलोंगिंग टू अ विलेज, अगर मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ जहाँ तक अभी डेवलपमेंट अभी पहुँचा नहीं है, जहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँची नहीं है, तो क्या ये मेरा फॉल्ट है? नहीं ना, ये उस गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि जो विलेज तक नहीं पहुंचा। हाउ कुड आई ट्राई फॉर इट इफ आई एम नॉट गेटिंग द टेक्नोलॉजी राइट अवे ऑन माई होम?
हाउ कुड आई गेट इट? अगर आपके पास कोई भी चीज है तो आप उसका उपयोग तो करोगे ना? मैं कैसे उपयोग करूँ? इफ आई एम गिविंग यू अ बुक, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन और यू आर नॉट लिटरेट विद English, so how could you rate it? I am belonging to UP. I don't know how to read or write Tamil. If someone will give me a book written in Tamil, then how could I read it? Tell me. Because I'm not aware of them and किसी ने मुझे उसकी नॉलेज नहीं दी है. Government is playing the role to provide something. ओके आपको कोई चीज मिल रही है आप उसको ट्राई तो करोगे ना. आज गांव गांव में लैपटॉप बट गया है, स्मार्टफोन हमें कहां मिला है? मैं तो आज तक मैं भी तो नहीं मिला. दो बार फॉर्म भर दिया, दो बार जान तक आ गया तब भी ना वैलिडिटी हो. I'm not getting a voice, I'm sorry. अगर आप मेरी रैंकिंग के हिसाब से पूछें तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ रोड्स बनी है, इलेक्शंस के टाइम पे स्टेशंस की सफाई हुई है, अमित शाह आते हैं तो रोड के गड्ढे भर दिए जाते हैं. आप इलेक्शंस के कुछ 5-6 महीने का डेवलपमेंट देखिएगा, इलेक्शन खत्म होने के 5-6 महीने बाद का डेवलपमेंट देखिएगा, यू विल डेफिनेटली फाइंड द डिफरेंस. अगर बात की जाए योगी सरकार की, 5 साल होने वाले हैं, किस तरीके से लगा आपको 5 साल योगी सरकार? सर आप मुझे बता सकते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था GDP रेट क्या था? इट वॉज समथिंग अबाउट 14 एंड नाउ इन 2022 वी आर एट 2 point something. वेयर इज द डेवलपमेंट? सेंट्रल सरकार की गलती है ना, स्टेट्स क्या सेंट्रल का पार्ट नहीं है? स्टेट्स ही तो बन के सेंट्रल बन. ओवैसी साहब क्या करेंगे अगर सीट जीतते हैं ये बताइए. मेरे हिसाब से तो जो वो काम उन्होंने वादे किए हैं वो करेंगे, क्योंकि जहां वो आज तक रहे हैं उन्होंने किया है, इसलिए हम एक उम्मीद उनसे लगाए हुए हैं, एक उम्मीद हमारी उनके साथ है कि जो भी वो वादे हमसे किए हैं हम आगे वो उनको फॉलो करेंगे और हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे. अगर बात की जाए वो स्कूटी दे रही है, गैस दे रही है, 3-3 गैस दे रही है, समाजवादी पार्टी इस बार स्मार्टफोन दे रही है, लैपटॉप फिर से दे रही है, योगी जी भी कह रहे हैं इस बार हम आएंगे तो हम भी स्मार्टफोन देंगे, MIM क्या कर रहे नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर ये डिफाइन नहीं करता कि आप किसी भी चीज को का डेवलपमेंट नहीं करेंगे. अगर वो नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर कह रहे हैं दैट डेफिनेटली डजंट रिप्रेजेंट्स के वो सिर्फ मुसलमानों का काम करेंगे. अगर योगी जी राम राम कहते हैं तो क्या हम मुसलमान उनकी स्टेट का पार्ट नहीं है? हैं, उनका काम बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा भी डेवलपमेंट करें. तो आप किसी के काम को, किसी की जिम्मेदारी को अल्लाह हू अकबर या राम राम से कनेक्ट मत कीजिए प्लीज. इंशाल्लाह जरूर, उम्मीद है, भरोसा है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. इंशाल्लाह जरूर होगा, इंशाल्लाह कहिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, जरूर होगा इंशाल्लाह. चलिए बहुत शुक्रिया. चाचा अभी आप कह रहे थे कि इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखिए. अल्लाह पे भरोसा रखे, अल्लाह पे, अल्लाह के महबूब पे भरोसा रखिए. अल्लाह जिसे चाहेगा उसी तक तो ताज पे उसी को बिठाएगा, वरना उसका बेड़ा गर्क कर देगा. जो मुसलमानों के साथ जास्ती करेगा और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे जो जास्ती करेगा वो नष्टो नाबूद हो जाएगा. जब फिरौन नहीं रहा, जब फिरौन जैसी ताकत नहीं रही तो अल्लाह के रहमो करम से ये भी ताकत खत्म हो जाएगी. उत्तर प्रदेश से जीत रहे हैं, अगर ओवैसी साहब जीतेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छे सबके काम के लिए, सबके हित के लिए और हिंदू और मुसलमान के सब भाइयों के लिए सब काम करेंगे. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.